कर रहा है आत्मसम्मान और उनका बोझ भी झेल रहा है। भाई मैं खुद एमर चला रहा हूं यार उधार ले लेके, मेरा आत्मसम्मान नहीं है क्या? माना तेरा आत्मसम्मान बहुत बड़ा है, मांग मत, पर सामने से दोस्त हेल्प कर रहे हैं तब तो ले ले मीना। भैया मैं तो इसे कब से समझा रहा हूं कि सही समय पर सही इंसान की मदद ले लेनी चाहिए। भैया मुझे लगा मैं खुद कर लूंगा। ये भी सही है, फिर ये प्रॉब्लम भी खुद ही सॉल्व कर लेता। अब कैसे याद आ गई जीतू भैया की? भाई अर्जुन ने भी रणभूमि में कृष्ण से हेल्प ली थी, वो भी मना कर देता, हेल्प नहीं चाहिए, हार के बैठ जाता कौरवों से। वाह भाई होती क्या कि वाह भाई युद्ध हार गए पर हेल्प नहीं ली, ऐसा होता है क्या? नहीं भैया। फिर कहां फंस गया मीना तू यार, कहां भटक गया तू? इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट IIT है, ये 10-5 हजार कुछ मैटर नहीं करेगा। यूं उड़ा दोगे एक घंटे में, 5 साल बाद सिर्फ IIT मैटर करता है। अभी IIT में नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करेगा, क्या करेगा? 28 नंबर आए जाके देख ले, क्लास का एवरेज 38 है। तुम लोग खुद अपना नुकसान करते हो, बाद में टीचर को ब्लेम करते हो। मार्क्स तुम्हारे नहीं आते, टेंशन हमें होती है। भैया मुझे लगा कि बस 2 घंटे निकालने हैं। सॉरी भैया, गलती हो गई भैया। अपना ये बाल मुकुंद कोचिंग सेंटर बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ। आ गया समझ में? हाँ भैया समझ गया भैया। तो कुर्सी से खड़ा हो जा, समझ गया तो? सॉरी, इधर आ जा, मेरी कुर्सी पे बैठा है, चलो। पैसे ट्रांसफर करूंगा, ले लेना, और जब कमाओ तो देना, ठीक है? चलो ध्यान रखो। और हाँ, अपने छात्रों को बोलना जरा कन्याओं पे कम ध्यान दें, पढ़ाई करें। हाँ भैया। छात्र हैं इनके। हाँ जी, तो है आप भी, आपको नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो बच्चों के साथ? अपने बच्चे हैं सर, क्या करें, होना पड़ता है इन्वॉल्व। हाँ। जी तो भैया, क्या हुआ, तुमने भी कोचिंग खोल ली क्या? मजाक कर रहा हूँ, बोलो क्या हुआ। भैया वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो भैया। हमें मैथ समझ में नहीं आ रही।